आज ये कौन आई है हमारी कॉलोनी में, नई नई लड़की। वाओ, ये देखो जरा कितना क्यूट है, एकदम 10 साल जवान लग रहे हो। हमारा नंबर तो काट दिया दादी ने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अभी ब्लॉग स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह से बहुत सारा काम था और मैं कुछ अपने प्री विंटर कपड़े ढूंढ रही थी ना, उस चक्कर में मैंने देखा मेरी अलमारी में इतनी सीलन इतनी सीलन। अरे क्या हुआ, हम लोग गाँव गाँव चले गए तो मैं इस कपड़े सुखाना ही वो हो गया। और सीलन देखो जरा, और इस सीलन से ना मेरे इतने सारे कपड़े ख़राब हो चुके हैं ना, उन कपड़ों में सीलन से फफूंदी लगी और फफूंदी से वो फट चुके हैं। बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान। और मैंने सारे कपड़े ऐसे देखो जरा यहाँ बाहर डाल रखे देखो। और आज ये कौन आई है हमारी कॉलोनी में, नई नई लड़की। वाह दादी, सच में कह रही हूँ, इतने स्मार्ट लग रहे हो ना आप, पहचाने नहीं जा रहे हो। हाँ नहीं पहचाने जा रहे हैं, सच में नहीं पहचान जा रही मम्मी। सूट पे तो बहुत अच्छे लग रहे हो, गजब। मैंने कहा जरा जब है बहू ने दे रखा है। हाँ, और दादी मैं तो ये कह रही हूँ ना, सूट तो और अच्छा ठहरा। हाँ, और पूरा अंग ढका रहता, नहीं ढका रहता है, ब्लाउज में तो इतना पेट दिखता है। सूट अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, गजब गजब, एकदम 10 साल जवान लग रहे हो। है ना, सूट से 10 साल जवान नहीं लग रहे, साड़ी में बुढ़े लगते हो। दांत लगा दूंगी तो और भी, दांत लगा दूंगी तो और जवान। आनंद की मम्मी कॉलोनी में तुम्हें फेल करने वाले एक और आ गई है कोई, तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट। देखो जरा कितनी अच्छी लग रही है ना, तभी तो। हाँ सूट में ज्यादा अच्छी लग रही है। हमारा नंबर तो काट दिया दादी ने। हाँ। और दादी थोड़ा फेशियल हेशियल कर लो, बालों में कलर कर लो और दांत लगा लो, बस फिर तो यहाँ की जितनी जवान औरतें हैं ना ये, बस सब हो गया फेल। बैठ जाओ दादी, बैठ लो, तुम बैठो, बैठो ना, मैं बैठ लूं। बस दादी गिरना नहीं है, ये कुर्सी टूट जाती है। टूटेगी दादी के वेट से तो टूटी जाएगी यार। अरे ऐसा भी, तेरे से तो पतली हूं मैं, कोई भरोसा नहीं है। अपने अपने रिस्क पे बैठ रहे हो ना। हाँ। मेरे रिस्क पे मत बैठना। अच्छा, ए पुशो तूने खाया? हाल ठीक है दादी? हाँ। देख रहे हो बाजार फला रही है, क्या वो कर रखा है? अरे मेरे वहाँ लग गई अलमारी में फफूंदी, अमित की कितनी नई नई जैकेटें खराब कर दी। कह रही मैंने लगा रखी, वो देख रहे हो नई नई जैकेटें, देख रहे हो यहाँ से पूरा खराब हो गया, काला हो गया है। छेद लगा रखी है हमारी माया ने कपड़ों की, जिसको जरूरत है ले जाओ, ले जाओ कपड़े, ले जाओ जैकेट, ले जाओ 10 का 10 का, छाटो 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 10 का, आने गए मम्मी 10 का 10 का, 10 का 10 का 10 का है। तो गाइस 3 के 12 बज चुके हैं एंड मैं रेडी हुई थी मार्केट के लिए, पर दादी लोगों ने ना मुझे जाने नहीं दिया टाइम पे। 10 बजे से रेडी हूँ और अभी तक गई नहीं हूँ, ठीक है? तो फिलहाल निकलती हूँ मार्केट, मार्केट नहीं जाना मुझे, विशाल जाना है। विशाल जाने का कारण है मम्मी जा रहे हैं गाँव, तो थोड़ा बहुत सामान मैंने इनका गांव इसलिए जा रहा है क्योंकि इनके फ्रेंड की शादी है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत सामान इनके लिए लेकर आना है अमित के लिए, और हमारे यहाँ गांव में ना किसी का बेबी हुआ है, उसके लिए मैं सोची थी एक दो जोड़ी कपड़े भेज देती हूँ करके नए खरीद के, ठीक है? तो उनके उसके लिए लेने जाना है। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ विशाल मेगा मार्ट और सीधा आ गई हूँ जहाँ पे बच्चों के कपड़े रहते हैं ना, किड सेक्शन में, वहाँ पे जो छोटे बच्चों के कपड़े रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, अभी आजकल विंटर टाइम चल गया तो विंटर के काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े आ रखे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये ऊन वाले हैं, ठीक है? तो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के तो, एक तो बॉयज़ के तो कोई वो रहता नहीं है इतना, गर्ल्स, हाँ गर्ल्स का लेना हो तो उसमें थोड़े चॉइसेस रहती कि यार ले लो, बॉयज़ के तो ऐसे नॉर्मल देख सकते हैं, सिंपल सिंपल से सारे इस टाइप के रहते हैं। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, ये बहुत सॉफ्ट कपड़े में है, अच्छा लग रहा है, इसमें कलर भी है एक दो। और ये वाला देखिए ज़रा डायनासोर टाइप का। तो अभी देखती हूँ इधर उधर क्या मिलता है, कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा तो। आजकल ठंडी है ना, ठंडियों के बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट वाले कपड़ों में आ रखे हैं। गर्ल्स के तो ऑप्शन होता है, फ्रॉक्स होती है, स्कर्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर हाँ विंटर में तो नहीं पहना सकती। वाह ये देखिए कितना क्यूट है, ये सुंदर लग रहा है, पर ये स्वेटर ही स्वेटर है। मैं सोच रही हूँ स्वेटर नहीं लूँ, ऐसा पूरा सेट हो ना, कोई सेट मिलेगा तो उस टाइप का ले लूँगी। बॉयज़ के भी अच्छे कपड़े कलर आ रखे थे कि पिंक और वाइट, वैसे बॉयज़ को पहनाते नहीं ऐसे कपड़े, पर मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे कलर भी। और जैकेट भी आ रखी है काफ़ी अच्छी है, जैकेट की क्वालिटी भी सही लग रही है, ठीक है? तो विशाल में क्या है ना, रिजनेबल मिल जाता है,
आपको बच्चों के, एक तो क्यों होते हैं बढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जल्दी जल्दी कपड़ा बढ़ता है, मतलब बच्चे बढ़ते हैं तो कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है और प्राइस भी सही मिल जाता है। तो एक दो बार पहनाया भी तो चलो कुछ वो नहीं, वसूल हो जाता है समझ लीजिए, ठीक है। वाह ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, क्रिसमस आने वाला है ना, क्रिसमस के उससे भी बहुत सारे ऐसे प्रिंट आ रखे हैं। और ये सब देखिए यहाँ पे गर्ल्स के हैं, गर्ल्स के तो कलर भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, और यहाँ पे भी सब गर्ल्स के ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सारा अभी गर्ल्स का सेक्शन है ये वाला, उधर साइड को बॉयज़ का है, और यहाँ पे खुले पजामे भी हैं, पजामों की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, सॉफ्ट कपड़े में है। ये भी सब छोटे छोटे बच्चों के हैं, मतलब 0 to 6 month बच्चों के, अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए वाओ ये कितने क्यूट लग रहे हैं, मैंने काफ़ी दिनों बाद छोटे बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग कर रही हूँ, कितना क्यूट लग रहा है ये, वाओ। तन्वी के पास भी थे ऐसे जब तन्वी छोटी थी, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आ रखा है। अभी देखती हूँ छाटती हूँ क्या लेती हूँ, एक दो ड्रेस तो ले जानी है मैंने। सो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट से घर, और मेरी माता श्री जो मैंने कपड़े फैला रखे हैं ना उनमें समेटने में लगी है, आराम नहीं कर सकती है। मम्मी को रखा है मैं क्या काम करूँ क्या काम करूँ, बोल के भी गई थी मत करना करके थोड़ी देर सूखने देना। सो फ्रेंड्स शाम के 5 बज चुके हैं एंड आज का पूरा दिन भाई ये सामान रखने में निकल गया है, मतलब दिमाग ख़राब हो गया, मेरा सर दर्द हो गया, इतना काम था। मत खाली अलमारी खोलनी थी, अलमारी के चक्कर में पूरा बेड खोलना पड़ा, सारे कपड़े बेड देखो पूरा बिस्तर निकालना पड़ा, कितने कपड़े तो मैंने दान देने के लिए निकाल दिए, दान मतलब किसी को दे दूँगी जो पहनते हैं ना, इतने अच्छे अच्छे कपड़े ना, इतनी अच्छी अच्छी जैकेटें थी ना हमारी, सब खराब हो गई हैं, इतना भयंकर मतलब उसमें काला लग गया, और मैंने उनको रगड़ा धोने के लिए उससे भी नहीं धुल रहा है, और धो के क्या हो रहा है ना वो सीलन जो काई पकड़ ली है ना उससे वो फट जा रही है, इतने कपड़े बर्बाद गए ना, बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने सब दे देने हैं, जो पहन लेंगे ना उनको दे दूँगी मैं, दिमाग ख़राब हो गया थोड़ा थोड़ा करके ना, इतना सारा सामान फैल गया है। अब 5 बजने वाले हैं, और देखो सामान देखो ज़रा, कब मेरा ये पूरा सामान रखा जाएगा, कब क्या होगा। आज हमने अपना काम बढ़ा दिया, वो तो मम्मी थी ना तब नहीं, मम्मी तो हो कर देती है तब मैं रख दे रही हूँ, मैं अकेली होती तो मैं करती भी नहीं, अकेले की वजह से तो मैंने उतने दिन से सुखाया नहीं, जब तक धूप थी, इतनी धूप थी तब से मैंने एक कपड़ा नहीं सुखाया। तो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं, अब जाके हम फ्री हुए हैं, अभी भी क्या फ्री हुए हैं, अभी थोड़ा बहुत और रह गए कपड़े जो कि हमारे बेड में भी फिट किए हैं, क्योंकि अलमारी बहुत बड़ी साइज़ में है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा कपड़े आते हैं, तो वो अब कहीं और फिट करेंगे हम कल, ठीक है। तब तक अभी मैंने ऐसे इसी वाले कमरे में यहाँ पे डाल दिए नीचे चद्दर में, अभी देखते हैं कि कल कहाँ जगह बनती है, जहाँ जगह बनेगी वहीं रखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी चाय है बनाई है, अभी खाने वाने का कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं लगी, मन तो कर रहा है बस सो जाऊँ, दे रही हूँ कल आमा को गुड़ दियो, दे रही हूँ तेरा दूध बना रही हूँ, सबको भूख लग गई है, तन्नू को मम्मी को मेरे को, ठीक है। मत करो तन्नू मत करो यार मैं करता हूं। क्या मैं हटो, मैं जा रही हूँ बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स रात के 9:30 बज चुके हैं, मैंने अभी तक नहीं बनाई है रोटी, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, एक तो मैं थक लग गई है, इन लोगों को मैंने हलवा खिलाया, यानी कि हलवा खाया पेट भर लेना, रोटी खानी है रोटी मिलेगी रोटी को, हलवा खा के पेट ना देख 50,000। तो मैं अब रोटी बनाती हूँ, ठीक है। तो सब्जी बनी है, मैंने कहा क्या बनाऊँ समझ में नहीं आया, तो मैंने पाव भाजी वाली जो भाजी बनती है ना, ये देखिए वो बना रखी है यहाँ पे भाजी, साथ ही बनाऊँगी रोटी। सो फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका है एंड अब टाइम है सोने का और निन्नू करने का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इस बेल बटन को क्लिक करना, तब तक के बाय, सुबह चांग नाइट सुबह मिलते हैं, ठीक है ओके।